हर हर गंग के दुर्गोत्सव समिति सेक्टर 10 द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सेंट्रल रेवेन्यू में दुर्गोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना विधिवत की गयी। इस दौरान कुमारी कन्याओं एवं युवकों ने माँ को दही और हल्दी का लेपन किया। ऐसी मान्यता है कि माता कात्यायनी को दही एवं हल्दी से लेपन करने से कुमारी कन्याओं या लड़कों की विवाह की इच्छा अतिशीघ्र पूरी होती है। हर हर गंगे दुर्गोत्सव एवं जन सेवा समिति के द्वारा शारदीय नवरात्र के अवसर पर सेक्टर 10 सेंट्रल रेवेन्यू में भव्यता के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई है। प्रतिदिन यहां पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही जोत और जवारे का भी यहां पर आयोजन किया गया है। छठवें दिन माता कात्यायनी का दिवस मनाते हुए हल्दी खेलने की रस्म यहाँ पर अदा की गई। बाजे गाजे और ढोल ताशे के साथ यहाँ पर कुमारी कन्याओं ने नृत्य करते हुए माता को प्रसन्न किया। इसके साथ ही हर हर गंगे दुर्गोत्सव एवं जन सेवा समिति के द्वारा इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई। हर हर गंगे दुर्गोत्सव समिति द्वारा आज हमारी पूजा का छठवां दिन है। माँ का करती है, विराजमान करती है। माता से क्या कामना करते हैं? माता से यही कामना करते हैं कि सबको सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। हमारा देश में शांति हमेशा कायम रहे। बता दें कि सेंट्रल एवेन्यू में विराजित माता की दुर्गा के प्रांगण में भव्य फिश टनल एक्वेरियम का भी निर्माण किया गया है, जो कि शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोजाना श्रद्धालु जहां माता के दर्शन करने यहां पहुंचते हैं, इसके साथ ही फिश टनल को देखने के लिए भी काफी उत्साहित नजर आते हैं। फिश टनल एक्वेरियम के संचालक सुभाष सबरवाल ने मीडिया को इस तरह की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अष्टमी के अवसर पर दिव्यांग जनों के लिए ये फिश टनल बिल्कुल निशुल्क किया गया है। आयोजन ऐसा है कि अष्टमी की जो पूजा है परसों 10 तारीख के दिन सभी अपंग अनाथ बधिर बच्चों के लिए निशुल्क रखा गया है। फिश शो फ्री दिखाया जाएगा। बच्चों के कूदने वाले झूले, वाटर बोट, सभी बच्चों को फ्री मनोरंजन दिया जाएगा। आने वाले सभी बच्चों के लिए जलपान की व्यवस्था भी अखिल भारतीय स्वयं रोजगार मंडल ने की है। कृपया जो भी संस्थाएं अपंग अनाथ स्कूल चला रही हैं, उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों को अष्टमी के दिन 10 तारीख को सेक्टर 10 में और शाही दशहरा मैदान में भिलाई होटल के सामने लाना ना भूलें। हम लोगों को इस स्वर्ण संधि का लाभ बच्चों को दिलाएं। धन्यवाद। बहरहाल पूरे भव्यता के साथ यहां पर पर्व मनाया जा रहा है। रोजाना हजारों श्रद्धालु यहां पर माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही फिश टनल का आनंद उठाते भी नजर आ रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।